सो वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर ब्लॉग। और आज हम एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जिसको देख के मैंने भी कहा था कि यार ये कैसी जगह है, क्योंकि वहाँ मैं भूले भटके पहुंचा था। और वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या नहीं, और बहुत सी चीजें हैं लाफिंग वगैरह खाने की। लाफिंग। तो अभी मैं निकल रही हूँ घर से, चौको को पकड़ूंगी मेट्रो स्टेशन में, फिर वहीं से निकलेंगे, हमारा सफर शुरू। बाय। अच्छा, इतना लेट करा, मेट्रो भी चली गई। मैंने थोड़ी करा, ये गरीबों का थोड़ी था, बड़े लोगों का इंतजार करना पड़ता है। ये रिक्शे चलते पता नहीं देखो, मैं मेट्रो के अंदर की 16 क्रॉस कर चुका हूं। भाग गया नीचे, इसका वेट करता हूं, वो वेट करा थोड़ी, कैसा बन गया मेकअप है। विधानसभा मेट्रो स्टेशन पर उतर के आपको 50 रुपए का ऑटो मिलेगा। जो इसके रिश्तेदार ऑटो चलाते हैं वो वाले अंकल होते हैं, देख पीछे से तेरे ही जैसे हैं, कुछ भी नहीं। Emotional, damn it! यहाँ की एक बात है, जितने भी अच्छे कपड़े पहन के आ रहे हो ना, सबसे ठीका लगेगा। इतने सारे अच्छे अच्छे लोग आते हैं। ये देखो, गरीब लोग जूते देख रहे जो खरीद भी नहीं सकते। किस काम के तुम? क्या बताओ, मेरे तो हाथ पैर कब कप आ रहे। बैग पर ही लाऊं ना? क्या बोला तूने? अरे नहीं, ज्यादा के पानी नहीं आती तेरी वाला। आज आग उगलेगा चौको। और क्या क्या होता है इसमें लाफिंग में? सब समझ गया चौको, सब समझ गया। ये री ट्रांसलेटर आके पूछ रहा है कि सोया चाप वगैरह मिलता है बता। इससे क्या कहते हैं? लाफिंग। हंसने वाला लाफिंग? नहीं, नाम है इसका। मैं तो पहली बार आया, मैं नेपाली रही। तुम ही खाओगे, तुम ही नहीं। अगर ये खाते हो, मुझे बाबा भी हो गया ना। मैं तो खाना, लेकिन मेरे को तो देख, तीनों आइटम एक जैसे ही लग रहे हैं। तो बस इसमें इसमें थोड़ी सी तरीके थी, ये सूखा दे दिया। नहीं नहीं, हम आज हम पूरा कैप्चर करेंगे। फील बेटर। हमने वो टू वेब से स्पाइसी वाला चैलेंज करा था ना। हाँ, तीखा है, बहुत तीखा है। अब तीखा हो रहा है एकदम से, नहीं लगता, थोड़ी देर बाद लगता है। थोड़ी देर बीट लेता है, उसके बाद कहता है अब फटी। वो तीखा है भाई, बहुत तीखा है। ये मैं तो खा लेती हूं। नेक्स्ट डिश, इसका नाम क्या है? इसका नाम लाफिंग है। ये लाफिंग है, ट्राई लाफिंग। ये पता नहीं क्या नाम है, इसका नहीं पता। वो सूप आ रही है, ये ट्राई लाफिंग है। भाई तो
थोड़ा अच्छा है, लेकिन उससे चाव चाव डाला हुआ है ना, चाव चाव पड़ा है इसमें, मैगी नहीं वो चाव चाव है ना। इन दोनों में देखा जाए तो ये अच्छा है। हाँ मेरे बस की बात तो नहीं है कि मैं ये पूरा खा सकूं, बहुत मिर्च है बहुत। अच्छा मेरा खत्म, बस खत्म ही हो गया। इनको देखो क्या कहना चाहते हैं कि हमारी शक्ति कैसी है। टॉयलेट फ्लेवर आ रहा है तुम्हें। किसको याद है क्या कैसे पहुंचे थे? सही में याद नहीं है? नहीं याद तो है। हमें लगा मजनू का टीला, यहाँ पे कोई टीला होगा, ऐसा लोकेशन होगा जैसे पुराना किला वैसा कुछ होगा। मेरा कान सुन हो रहा, मैं तो ऐसे सोने का मन कर रहा है। मैं नहीं खा सकता। तूने बोला कुछ अलग नहीं है तो अलग खाओ भाई। हम जब उससे पहले आए थे ना तब भी यही खाया था। ये अपने घर ले जा तू पैक करा के, घर पे खिलाना। ले जा अपने बोलने के हालत में मेरा कान सुना। खा तो लिया, देखो रॉन्ग टेक से खड़े हो गए हैं। ओ सही में रॉन्ग टेक खड़े हो रहे हैं। अभी लिया नहीं है ये मुझे कुछ खा। भाई शूज की कलेक्शन ना बहुत सही है यार, बस क्या करें कि अब तो पैसे नहीं है। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, थोड़े दो तीन नागर में मिल जाते कहीं पड़े हुए हैं। तो शूज की पूरी दुकान खरीद लेता मैं यहाँ से। इतने सेक्सी सेक्सी शूज है ना यार, क्या बताऊँ। मतलब जूतों के लिए क्या कहते हैं बेस्ट मार्केट है, देखा जाए तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे हमारे गरीब लोग। वो बेचारे आखिर देखी जा रही है कुछ आज पहली बार महंगी चीज़ें देखी क्या? ऐसी चीज में कूड़े की पन्नी मुझे लगा बुरा रखा हुआ है। नहीं मुझे लगा कूड़े की पन्नी है जैसे बताया पता ही नहीं। अरे तुम कौन? भैया भैया एक एप्पल बियर दे दो, एक ही जापानीज वाला दे दो और तू बता। अच्छा मैं बताओ बताओ ओपन में बियर बियर है ये, देख साफ सीधे बियर है ये, चाइना बियर। चीपेस्ट बियर एवर 40 रुपए की बियर है ये। फीस रखी होगी इसके अंदर नहीं, सस्ते में निपट गए। अरे घूट तो मार पहले। इसके पापा को दिखाना, इसके पापा को वीडियो दिखाना। अच्छी है हाँ अच्छी है। अच्छा वो आ रहे होंगे। बुरा है क्या भाई? नहीं है। मैंने कौन सा पाप कर दिया था? गंदा है। 5 रुपए नहीं है ट्राई कर। नहीं फिर मैं अपना पीऊंगा। अरे टेस्टी है, मजाक कर रही थी। बकरे के मुंह आ गए। कसम से गंदा है ये तो। टट्टी है। कंट्रोल कंट्रोल ब्रो। ये पता नहीं गोला कैसा ये रहा। चौको खा रहा है।
लेट्स गो ब्रो आई कैसा है कैसा है बता दो थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना अपना। I think हमें ना कॉफी वाला लेना चाहिए था। हाँ यार पता क्या घास पीस पे डाल दिया दुकान के सामने। Nice taste bro. हाँ टेस्ट अच्छा हो अलग होगा ना उनका टेस्ट अलग है। ये चौको दुकान से बहुत ज्यादा अलग होके यहाँ पे पीने के आया क्योंकि वेस्ट नहीं करना ऐसे। और दोस्त एक घास फूस पिला रहे चौको को पीस पीस आगे ये बताओ जो उसके अंदर वो ब्लैक ब्लैक सा है ये चॉकलेट है क्या है? नॉर्मली क्या होता है ये ना चॉकलेट होता है। हाँ चॉकलेट होता है ये। ये वो चॉकलेट नहीं ये कुछ अजीब सा है बहुत चुलचुला सा अजीब सा अजीब कुछ और ही बना दिया इनने भाई। ये शायद आपने पहले भी लिया था एक्सचेंज तो नहीं कर रहे अपने गर्दन वाले से। ये अच्छा लगता है से अच्छे से चॉकलेट पूरे 50 सबसे अच्छी चीज है तो यहाँ पे वो मैं हूँ चौको में इतने अच्छे दिन नहीं आएंगे तुम्हारे इंग्लिश 300 आंटी आपको साफ साफ कह रही है कि तुम्हारी औकात से पहले तो हट जाओ यहाँ से कि हमारा औकात से बाहर वा तीन क्वालिटी इज गुड ओ माय गॉड इंग्लिश आई वांट ब्लैक एंड दिस इज ब्लैक ओ शिट हां ये आपके लिए फ्रॉग देखा मैंने ओ माय गॉड नो सच्चाई बोलिंग नो सच्चाई बोलिंग आपके लिए फ्रॉग देखा वैसे चौको की इंग्लिश बहुत अच्छी है बहुत चंदा दे दो चंदा चौको को कोई चंदा दे दो चंदा मांगने के लिए खड़े हैं आना वीडियो में भाई आजा 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 कम कम तो ये हमारा फैन मिला गाइस कुछ भी 300 है क्या भाई ये 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 क्या है ये क्या है मीट ये किस चीज का मीट है बकरे का मीट है क्या भैंस ऐसे मिलता है चौको तुमको बच के रहना चाहिए ये बहुत बड़ा नहीं है अभी नहीं जा रहे अभी ले रहे ओ कहाँ जाओ यार दिखने का ब्लॉगिंग कर रही हो अरे यार इसको डाल ले कितनी जल्दी चिढ़ जाते अच्छा ये देखो एटीट्यूड देखो जेब में ठंडी नहीं चले एटीट्यूड दिखाना ओह दिस इज मी वाओ कितनी सुंदर लड़की सोस्ट अच्छा है आगे दुकान है ही नहीं चौको अंदर पैंट बहुत अच्छी थी ये जगह देखना बंद है भाई सब कुछ चलो यार चोरी वाले हरकतें करो यही करोगे ये हिंदुस्तानियों के देखो ये पानी में कब्जा कर लिया मैं उधर कह नहीं पाया यहाँ कह रहा हूँ वाइल्ड नो हेट ओनली लव करो वाओ शॉपिंग कराएंगे चक्कर वही अरे ये रहा ना ये ब्लैक वाला ये वाला चौको पर ये तो सेम ही हो जाएगा मेरे जैसा सही है इसमें डिजाइन नहीं है उसको प्लेन है अच्छा लग रहा है यार भाई क्या खुजा रहा है अबे हाँ बहुत ज़्यादा सिमिलर है हाँ
सच कहूँ मजनू का टेला कुछ ज्यादा ही महंगा है, बहुत ज्यादा, मतलब कुछ ज्यादा महंगा है, कुछ ज्यादा ही नहीं, ज्यादा ही मॉल वाला हिसाब किताब है, H&M से ज्यादा महंगा है ये स्टोर, बहुत ज्यादा। H&M पे वो डिजर्व करता है कि हाँ वो कपड़े ठीक है, सरोज में से भी बेकार है। सच कहूँ तो तुम यहाँ से एक ही चीज अफोर्ड कर सकते हो, वो है सॉक्स, सौ के चार काफी अच्छे मिलते हैं, वो काफी अच्छे मिल जाते हैं। सॉक्स इतना सस्ता क्यों है? डिस्काउंट नहीं तो हम नहीं, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। चौकों के पास कपड़े नहीं थे तो मैंने आज इनको एक टी शर्ट और एक पैंट दिलाई है, फिर भी इतना एटीट्यूड है, बेशर्म ना, थैंक यू ना, कुछ ना कुछ भी बोल रहे हैं। अंदर गलती से घुस भी मत जाना, हमारी एंट्री बंद है। वो वाली टी शर्ट अच्छी लग रही है, वो वाली मुझे भी मेरे को बर्बाद करके देखा, मैं शॉप तो नहीं करती। अरे बस हो गया, ये तो आवाज 130 क्या कर रहा है भाई? इकलौती है जगह वो तो लड़कियों से ज्यादा शूज सेक्सी होते हैं। कुछ मैं यार फिर से आ गए, बैठ जाओ, यही पर ही हमारी ब्लॉगिंग समाप्त होती है और हम रास्ता भटक चुके हैं। एडिट ले सकते हैं शायद, जा तो सकते हैं। अंधेरी राहों पर गाना ने कॉपीराइट देगा। हाय लास्ट टाइम पे तो हम इसे निकले थे, लोग ने पाली कहते निकल के ना हमारे घर के लोग। फाइनली अब हम घर के लिए निकल रहे हैं, हमारी वीडियो समाप्त हो चुकी है, लेकिन BLP के झूल के लगता है सर। और ये लास्ट वीडियो में ना हमारा फोन ऑफ हो गया था, इस वजह से हम आगे कंटिन्यू भी नहीं कर पाए थे। रात को हो गया था, फिर चार्जर वार्जर का भी सिस्टम नहीं था, फिर मुझे बहुत रात हो गई।